हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नैश आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो है खड़े मसाले का कीमा। जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, 1/2 kg मैंने बीफ का कीमा लिया है जो हाथ का बना हुआ है, 100 ग्राम तकरीबन मैंने दही लिया है, 1 बड़े साइज़ का प्याज है जो मैंने स्लाइस में काट लिया है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च है जिसको मैंने दरदरा कूट लिया है, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा लिया है, 1.5 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें 2 से 3 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची और 4 से 5 लौंगे हैं, 7 से 8 साबित लाल मिर्चें ली हैं, 1/3 अदरक ली है, इसको इस तरह से काट लें, 1 छोटी प्याली हरा धनिया लिया है और 4 से 5 बड़ी मिर्चें ली हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी और इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। और अब इसमें कीमा शामिल कर दें। और कीमे को 4 से 5 मिनट तक फ्राई करें। प्याज डाल दें और थोड़ा सा चला लें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो खड़े मसाले लिए हैं वो शामिल कर दें, साबित मिर्चें डालेंगे और थोड़ा सा इन सब चीज़ों को फ्राई कर लें। भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे, कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर दें, भुना कुटा धनिया शामिल करें और 4 से 5 मिनट के लिए मसालों के साथ फ्राई कर लें। फिर दही शामिल करेंगे। और थोड़ा सा दही के साथ भी भून लेंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया है। और थोड़ा सा भून लें। और 1 प्याली शामिल करके 25 से 30 मिनट के लिए पकने रख दें ताकि कीमा मुकम्मल तरह से गल जाए। 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक और हरा धनिया शामिल करके चला लेते हैं और 2 से 3 मिनट और दम देंगे। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, इसको चपाती या पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है।
अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।